नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और मौत के बीच शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के आंगन में ही स्थित कुएं के पुराने की सफाई के दौरान कुआं धसक जाने से मकान मालिक समेत दो लोगों की कुएं में मलबे में दबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही ब्योहारी पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य की जारी किया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं के मलबे में दबे तीन शवों को बाहर निकाल लिया गया। ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम पपरेडी निवासी रमेश सैन अपने मकान के पिछले हिस्से में बने कुएं के सफाई के लिए गांव मोतीलाल कोल और राजेश गौंड को बुलाकर सफाई करा रहे थे। तभी अचानक कुएं की मिट्टी धसकने लगी और देखते ही देखते मोतीलाल कोल और राजेश गौंड कुएं में जमींदोज हो गए। तभी उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरे रमेश सैन भी कुएं के मलबे में दब गए। इस बात की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची ब्योहारी पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया और कुएं के मलबे को निकालने के लिए तीन जेसीबी मशीनें लगाई गईं। 8 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों का शव कुएं से बाहर निकला। वह इस मामले में ब्योहारी एसडीओपी का कहना है कि कुएं की सफाई के दौरान कुआं धंसने से मकान मालिक के साथ दो अन्य लोग फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश सैन नाम है। ये आज की घटना कैसे क्या हुई? आज 9 बजे ये सुबह खोदे लगे, वो कहीं ईंटा निकालने लगे तो हो गया, ऊपर से माटी गिरी सर, तो हो गया दो आदमी दब गए। तीसरा आदमी हमारे भांजे निकालने के चक्कर में गए थे तो वो भी फंस गया जी। ये कितने बजे घटना है? ये 9 बजे का सर, 9:30 बजे का। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 4 बज रहा है, मतलब लगभग 6-7 घंटे से ये काम चालू है जी। तो अभी तक कोई निकाल पाए किसी को? कोई नहीं निकाल पाया था। अभी मतलब तीनों दबे हुए? अभी तीनों दबे हुए हैं सर। अभी मकान कुएं का मालिक कौन था? रमेश नापित। और जो बाकी दो मजदूर थे उनका क्या नाम था? एक राजेश नाम था, एक मोतीलाल नाम था। क्या नाम है आपका? अमनलाल वैस। ये जो आज घटना घट गई है, क्या जानते हैं घटना के बारे में, पूरी जानकारी बताएं। गहरीकरण हो रहा था, ईंटें निकाल के गहरीकरण कर रहे थे, करने के बाद वो एक साइड से फिसला, फिसले के बाद फिर दोबारा फिसल गए, निकालने वहाँ नीचे उतरे, उतरने के बाद पकड़े तो हम बोले कि भागो भागो, तो भसक गए पूरा, दब गए इतना। कितने लोग दबे हैं? 3 लाख। तो कितने बजे घटना है? 9:30 बजे। ये आज जो अब ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम पपरेड़ी में घटना हुई है, क्या कैसी घटना है सर? पपरेड़ी में सुबह 9:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि 3 लोग कुएं में सफाई करते हुए दब गए हैं, तो उन लोग का बचाव कार्य जारी है। अभी अब पूरी तरह से कह नहीं सकते, राहत कार्य पूर्ण होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ये कितने बजे से जानकारी मिली आप लोगों की कि ऐसी घटना? इवेंट आई थी सुबह 9:30 बजे घटना है, करीब इतने बजे जानकारी आ गई थी। मौके पे कितनी मशीनें लगी हैं सर, और क्या कैसी व्यवस्था है? 3 जेसीबी लगी है, उनसे काम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी रेतीली टाइप की धस जाती है, इसलिए काम मुश्किल हो रहा है। अभी कार्य जारी है, बाकी बात बताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।